आज के इंसान जहां किसी पर विश्वास नहीं करता, तो हम इस बात पर कैसे विश्वास कर लिए कि बंदर और इंसानों का पूर्वज यानी प्राइमरी सोर्स एक ही है? आखिर किस वैज्ञानिक ने और क्या थ्योरी दिया था? गजब का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा। इस जटिल प्रश्न को चार्ल्स डार्विन ने एक पक्षी की कहानी सुनाकर और उन पर रिसर्च कर लोगों को बड़े ही सरलता पूर्वक समझाया है। चलिए जानते हैं कौन सी पक्षी की कहानी है। सालों मेहनत करके उन्होंने फिंच बर्ड की थ्योरी दुनिया के सामने रखे थे और इसी थ्योरी ने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। डार्विन ने अपनी किताब में बताया, 2 मिलियन वर्ष पहले चिड़िया अपनी शुरुआती दौर में सब एक ही जंगल में और आराम से रहा करती थी। तभी इनकी केवल एक ही स्पीसीज मौजूद थी, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ अब इन्हें भोजन की कमी होने लगी। ऐसे में दूसरे द्वीप पर जाकर बसना ही एक बेहतर विकल्प था। इसलिए ये फिंच बर्ड 3 समूहों में बट गए। एक ग्रुप माइग्रेट हुआ आइलैंड ए पर, जबकि दूसरे ग्रुप आइलैंड बी में जाकर बस गए और जो बची हमेशा के लिए वह उसी आइलैंड में रह गई। नए आइलैंड में बसे बर्ड्स अब उस आइलैंड के हिसाब से अपना जीवन शैली में बदलाव प्रारंभ किया। वहाँ उन्होंने अपने घोंसले बनाने और भोजन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की। दोनों ही द्वीपों में रहन सहन, खाने पीने के तरीके में बदलाव था। जाहिर सी बात थी, आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम, खाद्य पदार्थ आइलैंड बी से बेहद अलग था। ए आइलैंड में खाने के लिए जो उपलब्ध था, वो बी आइलैंड में उपलब्ध नहीं था। मोटे मोटे शब्दों में कहे तो ए आइलैंड में फल ज्यादा मात्रा में थे, जबकि आइलैंड बी में बग्स और इंसेक्ट्स मौजूद थे। ऐसे में आइलैंड ए पर रहने वाले फिंच बर्ड में फलों को खाने के लिए हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ और आगे जाकर इन फिंचेस को लॉन्ग बिग्स फिंच बुलाया गया, जबकि इंसेक्ट्स को खाने के लिए बड़ी चोंच की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजबूती जरूर चाहिए थी। इसीलिए आइलैंड बी पर रहने वाले फिंचेस की चोंच छोटी रही, लेकिन वो काफी मजबूत हो गई। इन फिंचेस को शॉर्ट बिग्स फिंचेस का नाम दिया गया। अपने अपने इलाकों में सर्वाइव करने के लिए ये दोनों ही बर्ड्स अलग अलग तरह से अपने आप को बदल लिया। शुरुआती दौर में इन फिंचेस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन द्वीपों का हालात उनके पुराने आसियाना से अलग था, लेकिन मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए इन दोनों ने खुद को इवॉल्व कर लिया। अब धरती पर फिंचेस की 3 तरह की प्रजातियां मौजूद थी। पहली वो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वह फल खाती थी। दूसरे वो जिनकी पास छोटी चोंच थी और मजबूत थी। आखिरी वो प्रजाति जो अपने पुराने आसियाना को कभी नहीं छोड़ा। यही वो बर्ड्स थी जिससे बाकी के द्वीपों में बर्ड्स माइग्रेट हुई थी। यानी यहाँ के बर्ड्स अभी भी अपने असली स्वरूप में ही मौजूद थी। इन्हें बदलाव की कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब इसे बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये माइग्रेट हुए दोनों फिंचेस प्रजाति एक दूसरे से इवॉल्व हुई। हाँ, पर ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों फिंचेस का प्राथमिक सोर्स एक ही रहा और दोनों एक ही सोर्स से इवॉल्व होकर इस रूप में आई। अगर आप इनके डीएनए मिलाएंगे तो दोनों प्रजाति का डीएनए वही होगा जो इनके सोर्स का है। ठीक उसी प्रकार बंदर और इंसान का प्राइमरी सोर्स होमिनोडाई है, जिससे ही बंदर, चिंपैंजी और इंसानों जैसे प्रजाति का इवोल्यूशन हुआ है। इसे आप आई बटन में दिए वीडियो से समझ सकते हैं, या फिर आपको मनुष्य के इवोल्यूशन के बारे में पूरा जानना हो तो कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों।